द वॉल्यूम ऑफ ए मेटलिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स थिकनेस। देखिए मेटलिक पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई इंटू, ये अपने पास होलो सिलेंडर है तो पाई इंटू आर, जो एक्सटर्नल रेडियस है वो 9 होगी, तो आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, जो इंटरनल रेडियस है उसको आर मान रहे हैं, इंटू हाइट इसकी एच मतलब 14 सेंटीमीटर है ये है, और इसको वैल्यू किसके इक्वल दिया 748 सेंटीमीटर क्यूब के। यहाँ से हम लोग स्मॉल आर का वैल्यू निकालेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाइट हो गया 14 इज इक्वल टू 748। देखिए ये 7 से ये 2 टाइम्स, 2 × 22 हो गया 44, तो 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 44 से जब अपन 748 को डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर क्या जाएगा, 9 स्क्वायर का मतलब 81 माइनस 17, क्या किया अपन ने, माइनस आर स्क्वायर को तो राइट हैंड साइड ले लिया और 17 को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू आया 64, मतलब यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें पूछा था उसकी थिकनेस कितनी है, देखिए ये इस तरह एक सिलेंडर था ना, तो इसकी थिकनेस मतलब यही ना, तो ये जितना होगा इन दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस वही तो थिकनेस होगी, तो यहाँ लिख दो थिकनेस इज इक्वल टू 9 - 8, क्योंकि 9 एक्सटर्नल है और इंटरनल रेडियस है कितनी 8, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर इसका आंसर।